मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सो हियर वी विल गेट अ समरी ऑफ दिस चैप्टर इन वेरी शॉर्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता वाले स्टूडेंट रहे हैं, बच्चे रहे हैं बचपन से ही। यानी कि कोई भी चीज़ जानने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, किसी भी चीज़ को जानने की उनकी जो इच्छा होती थी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी। इसी कारण से बचपन में ही उन्होंने बटरफ्लाइज की कलेक्शन शुरू कर दी, यानी कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया। और जब वो सेकेंड क्लास में पहुँचे तो उन्होंने लगभग 25 स्पीशीज, जो उनके होम टाउन में जहाँ वो रहते थे वहाँ की 25 स्पीशीज के बारे में उन्होंने जानकारी एकत्रित की थी, और ऐसी 25 स्पीशीज को कलेक्ट कर चुके थे। इसके अलावा उनको कॉइन्स कलेक्ट करने का और फॉसिल्स मतलब जो अवशेष होते हैं वो, और रॉक्स, ये कलेक्ट करने का भी बड़ा शौक था। एक दिन उनकी माँ जो थी उन्होंने उसे एक बुक दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक जो थी ये उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आई, और इस किताब ने उनको वर्ल्ड ऑफ साइंस से इंट्रोड्यूस करवाया। और पहली बार जो इन्होंने रियल साइंस फेयर देखा था वो अपने टाउन के अंदर जो इनके कंट्री साइंस फेयर लगा वहां पर इन्होंने पहली बार रियल साइंस से इनका सामना हुआ। तो वहां पर उस साइंस फेयर के दौरान इन्होंने एक बात तो समझी कि कोई भी काम अगर करना है, कुछ भी अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा। यानी कि आपको अगर फेमस होना है या आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तभी वो वर्ल्डली फेमस होते हैं ना, घर बैठे थोड़ी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर एक साइंस के प्रति एक और ज्यादा जज्बा जागा। बाद में जब ये 8वीं कक्षा में पहुंचे, एट दैट टाइम ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। तो उस समय इन्होंने एक असाइनमेंट शुरू किया जिसमें ये जानना चाहते थे कि जो हर साल जो मोनार्क कैटरपिलर्स जो होते हैं वो क्यों मर जाते हैं। तो एक वायरल बीमारी की वजह से सारे जो जो कैटरपिलर्स होते हैं मोनार्क, जो बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं हम, मोनार्क एक प्रजाति है बटरफ्लाईज की, वो सब क्यों मर जाते हैं उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल, सो ही रोज कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। हाउएवर ही वाज रॉन्ग। तो उनको लगा कि शायद बीटल्स के कारण, एक तरह के जो कीड़े रहते हैं, मकोड़े रहते हैं, उनके कारण ये जो कैटरपिलर्स हैं ये मर जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ बड़ा किया, उनको पाला, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। यानी कि वो जो थी ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया, यानी कि इसमें इनको कामयाबी ना मिल पाई। अगले साल उनका जो प्रोजेक्ट था साइंस फेयर के लिए नियुक्त हुआ, दैट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट Viceroy butterflies copy monarchs। His project got the first prize in zoology division and third in country fair। तो इनका जो ये theory थी कि Viceroy butterflies जो होती हैं वो monarchs की copy होती हैं, तो इस project के ऊपर इनको first prize मिला country के science fair के अंदर। In his second year of high school, जो दूसरा साल था इनके high school का, Richard Abright research led to his discovery of an unknown insect hormone which led to his new theory on the lives of cells। उस समय इन्होंने एक नए एक इंसेक्ट के अंदर हार्मोन जो पाया जाता है उसकी डिस्कवरी इन्होंने की, उसके ऊपर इन्होंने थ्योरी लिखी जो कि थी कि सेल्स के अंदर नया जीवन किस प्रकार से आता है। He tried to find the purpose of tiny golden spores on the back of monarch pupa। monarch pupa, pupa जो एक लाइफ स्टेज रहती है pupa, यानी कि जो बटरफ्लाई होती है ना, किस प्रकार से बटरफ्लाई बनती है उसके बीच में एक स्टेज आती है जिसको प्यूपा कहा जाता है। तो मोनार्क बटरफ्लाई जब मोनार्क प्यूपा के स्टेज पे होती है तो उसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या था, वो फाइंड आउट करने की इन्होंने कोशिश की। और ये जो इनका प्रोजेक्ट था इसको भी कंट्री के अंदर, यानी कि इनके देश के अंदर फर्स्ट प्राइज से इनको नवाजा गया साइंस फेयर के अंदर। और इसके साथ साथ इनको काम करने का मौका मिला वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। कहाँ काम करने का मौका मिला, वॉल्टर रीड
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पर इनको काम करने का मौका भी मिला। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने अपने काम को जारी रखते हुए केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है हार्मोन्स का उसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया। वन डे व्हाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ दिस न्यू थियरी दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एक दिन जब ये एक्सरे फोटो देख रहे थे हार्मोन की, तो इनको एक नया आइडिया, एक नई थियरी इनके दिमाग में आई कि सेल्स जो होते हैं वो डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड कर सकते हैं। एब्राइट एंड हिज रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डीएनए। तो उसके बाद एब्राइट यानी कि साइंटिस्ट जो है ये और इनके एक रूममेट, इनके मित्र जो थे, इनके जो रूममेट थे, इन्होंने मिलकर एक प्लास्टिक का मॉडल तैयार किया मॉलिक्यूल्स का जो कि डीएनए की वर्किंग को शो करता था। इट वाज अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड गॉट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। ये बहुत ही जबरदस्त कदम था और एक ये रेवोल्यूशन की तरह सामने आया साइंस के युग में, और इनका ये जो कदम था इसको पब्लिश किया गया मैगजीन के अंदर। देन ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स। फिर इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया विद हाईएस्ट ऑनर्स यानी कि बहुत ही अव्वल दर्जे में, बहुत ही ऊंचे अंकों के साथ। ही हैज अदर इंटरेस्ट आल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एंड इज आल्सो अ कैनोइस्ट एंड एन आउटडोर पर्सन। इनको बोलने का, डिबेट करने का बड़ा शौक था, एक आउटडोर पर्सन थे यानी कि इनको इंडोर से ज्यादा बाहर रहकर खेलकूद करना पसंद था। और ये एक आल्सो ही इज आल्सो अ कैनोइस्ट कहा गया। कैनोइस्ट मतलब कैनो जो बोलते हैं एक तरह की नाव होती है, पतली सी नाव आपने देखा होगा जिसको चलाया जाता है, बहुत ही पतली सी नाव होती है उसको चलाना, वो भी इनको पसंद था। Also, he was competitive but in good sense and always want to do his best. ये बहुत ही competitive व्यक्ति थे और हर एक काम को अपना best देकर ये करते थे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे sense के साथ। Moreover, he possesses all the traits of becoming a good scientist. तो इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर वो सारे गुण थे जो इनको एक अच्छा scientist बनने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे गुण इनके अंदर। तो ये थी हमारी ये स्टोरी जिसकी समरी मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। अब ये जो कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब जैसे कि हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से जो एब्राइट थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो था बचपन से ही साइंस के प्रति दिखाया, किस प्रकार से उन्होंने जो तरह तरह की बटरफ्लाइज थी उनको एकत्रित किया बचपन में ही, और फिर धीरे धीरे अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए वो एक अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट बन निकले। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि अगर हम पूरा डेडिकेशन से, लगन से, परसीवरेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ अगर अपने किसी भी सपने को अगर हम पाना चाहते हैं तो वो हमसे कहीं भी दूर नहीं है। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? एक हार्डवर्क चाहिए, प्रॉपर डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके बाद कोई भी सपना आपका आपसे दूर नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट।